नमस्कार, हेल्थ मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं मृदुल गुप्ता और आज हम आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। ये जानकारी है, अगर आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में जाते हैं तो आपको अपॉइंटमेंट के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। जनरली हमने देखा होगा कि जब हम एम्स जैसी बड़ी संस्था में जाते हैं तो पहले वहाँ एक सिस्टम होता था पर्ची बनवाने का, तो विंडो से पर्ची बनवाने के लिए आपको घंटों लाइन में लगना पड़ता था। लोग कई बार तो रात में ही, मतलब देर रात से ही शुरू हो जाते थे लाइन में लगना, क्योंकि सबको ये लगता था कि हमारा नंबर पहले आए और हमें पर्ची मिल जाए, क्योंकि हर हॉस्पिटल का एक लिमिटेड नंबर होता है जिसके हिसाब से वो पर्ची देते हैं। तो आज हम आपको बता रहे हैं कि इस लाइन सिस्टम को जो ख़त्म किया गया है वो एक ऑनलाइन सिस्टम के द्वारा ख़त्म किया गया है। तो सारी अपॉइंटमेंट आप अपनी ऑनलाइन ही घर बैठे बुक कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है वो हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में आकर ORS टाइप करना है। ORS का मतलब है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम में जब आप आएंगे तो आपको इस तरह का पेज दिखाई देगा। इसमें आपको कई तरह के ऑप्शन मिलते हैं जिसमें आप अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लेना या टेली कन्वर्सेशन के थ्रू, आप टेली मेडिसिन के थ्रू आप अपना ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप इसके थ्रू लैब रिपोर्ट्स की अपनी देख सकते हैं। अगर आपने कहीं हॉस्पिटल में कोई टेस्ट कराया है तो उसकी लैब रिपोर्ट्स आप देख सकते हैं। आप इससे पेमेंट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट भी की जा सकती है। आपको एक EOPD कार्ड भी दे दिया जाता है। अगर आप जैसे OPD के पेशेंट हैं, आपको रेगुलरली OPD में जाना होता है, तो एक EOPD कार्ड भी इसके थ्रू आप ले सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एक अहम जानकारी है ब्लड बैंक की। तो ये जहाँ जहाँ ब्लड बैंक इस पोर्टल पे रजिस्टर्ड है वहाँ आपको पता चल जाएगा कि अगर आपको कभी खुदा ना खास्ते कभी खून की ज़रूरत होती है तो किस ब्लड बैंक में कौन से ग्रुप का खून आपको चाहिए, वो कहाँ अवेलेबल है, वो इसके थ्रू आपको इमीडिएटली पता चलता है। तो आइए हम सबसे पहले एक अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और आपको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताते हैं। तो सबसे पहले हम बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ऑप्शन खुलता है आप कहाँ अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हैं। तो जो भी हॉस्पिटल इस नेटवर्क के अंदर हैं उन सारों की लिस्ट खुल जाएगी। तो सबसे पहले आपको अपना स्टेट चुनना है, किस स्टेट में आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं। जैसे मैं दिल्ली में हूँ तो मैं दिल्ली से अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, तो मैं दिल्ली के लिए चुनाव करता हूँ। अब दिल्ली में मेरे पास सारे के सारे सरकारी अस्पताल जो भी इस साइट पर रजिस्टर्ड हैं वो सारों की लिस्ट खुल गई है। तो मुझे कहाँ अपॉइंटमेंट लेना है ये मुझे चुनना है। तो मैं अगर अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ तो मैं एम्स में जैसे अपॉइंटमेंट ले रहा हूँ, तो मैंने न्यू दिल्ली एम्स को अपॉइंटमेंट के लिए बुक किया। अपॉइंटमेंट मैंने क्लिक किया, न्यू अपॉइंटमेंट के लिए क्लिक किया। अब मैं उसमें आप पूछ रहे हैं आपको कहाँ अपॉइंटमेंट चाहिए, सेंटर फॉर डेंटल एजुकेशन रिसर्च, मतलब आपको दांतों की बीमारी से रिलेटेड अपॉइंटमेंट चाहिए, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर, या आपको न्यूरो या कार्डियो के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए, या आपको कैंसर के लिए अपॉइंटमेंट चाहिए। तो आप अपना चुनाव करिए और उसके बाद अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए। तो जैसे मैं अगर इसमें डालता हूँ तो मैंने डाला कार्डियो के लिए। तो अब वो पूछते हैं कि इसमें भी सब कैटेगरीज होती हैं, आपको किस स्पेशलिस्ट के पास जाना है, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है, नॉर्मल कार्डियोलॉजी के पास जाना है, न्यूरोलॉजी के पास जाना है, या न्यूरोसर्जन के पास जाना है। तो आप उस हिसाब से अपना चुनाव कर सकते हैं जिसको भी आप दिखाना चाहते हैं। अब इसमें ये कैलेंडर खुल जाएगा तो आप कब का अपॉइंटमेंट देख रहे हैं। तो इसमें आप देखिएगा, जैसे इसमें ग्रीन जो सिंबल आएगा वो बताता है कि इस दिन अपॉइंटमेंट खाली है, अदरवाइज नॉट अवेलेबल का जो सिंबल है वो आपको पीच कलर का दिखाई देगा, और हॉलीडेज जो हैं जिस दिन पर अस्पताल बंद होगा वो आपको येलो कलर में दिखाई देगा। तो आप जैसे देख रहे हैं कि अभी अक्टूबर में कोई अपॉइंटमेंट यहाँ पर है नहीं, तो मैं आगे जाता हूँ, अक्टूबर से आगे बढ़ता हूँ, नवंबर के लिए भी कोई अपॉइंटमेंट बुक नहीं है यहाँ पे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ तो एक 4 दिसंबर को मुझे अपॉइंटमेंट मिल रही है, तो मैं 4 दिसंबर को सिलेक्ट करता हूँ, अपॉइंटमेंट कन्फर्म करता हूँ। उसके बाद मुझे अपना मोबाइल नंबर डालना है यहाँ पे। मोबाइल नंबर जैसे ही मैं डालूँगा फिर ये अपना कैप्चा मांगेंगे। कैप्चा मांगने के बाद एक OTP आएगा। जैसे ही आप OTP को दर्ज करेंगे तो आपका अपॉइंटमेंट कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट में फिक्स हो जाएगा। तो ये देखिए, इस तरह से यहाँ आ गया, मेरा अपॉइंटमेंट बुक हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इसमें ये एडिशनल जानकारी देता है कि आप अपना आभा कार्ड भी बनवाना चाहते हैं। जैसे मेरे पास अभी आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट नहीं है, तो ये मुझे एक ऑप्शन देते हैं कि अगर आप चाहो तो अपना आभा अकाउंट भी आप क्रिएट कर सकते हो, उसको भी बना सकते हो।
और बहरहाल आज हम केवल अपॉइंटमेंट की बात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया आप कितने सरल तरीके से ऑनलाइन घर बैठे ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। इससे आपको दो फायदे होंगे, एक आपको हॉस्पिटल के केओस में और भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपना टाइम आपको पता है आपको किस तारीख में किस टाइम पर डॉक्टर के पास जाना है, तो आप उस टाइम का थोड़ा मार्जिन लेते हुए वहाँ आप अपने डॉक्टर के पास जा सकते हैं और आपको बाकायदा सारी की सारी सुविधाएँ जो हॉस्पिटल में होती हैं वो दी जाएंगी, और यही हम आपको बताना चाहते थे। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हेल्थ मंत्रा।